हेलो व्यूअर्स, तो इस वीडियो में मैं आप सबको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के जितने भी ट्रिक्स हैं, न्यूमोनिक्स हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। मेनली ये चैप्टर डाटाबेस चैप्टर है। चैप्टर में बहुत सारे डाटा हैं और आपको कम से कम अगर एकदम जो न्यूमेरिकल डाटा है वो भी याद ना रहे, फिर भी कम से कम ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसको इनमें से कोई हाईएस्ट या फिर लोएस्ट पूछ ले तो फिर आप बता पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पहले पैरे में जो ये वाला पोर्शन है, 20K स्पीसीज ऑफ एंट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28K स्पीसीज ऑफ फिशेज और नियरली 20K स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। तो ये सब याद रखने के लिए देखिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो एंट एंड ऑर्किड का है 28K और 28,000, और फिश से आता है फिनिश, हम कह सकते हैं फिनिश ऑफ मंथ डेट जो 28 तारीख होता है, 28 से 28K और 28,000। फिर बीटल का जो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट है बी डबल ई, काफ़ी हद तक देखिए 300 की तरह ही दिखता है, तो इससे ये हो जाएगा 300K और 3 लैक्स। ठीक है, इस तरह से इसे एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का यहाँ पर याद रखिए, ये जो राउल फिलिया वोमिटेरिया है, राउल फिलिया वोमिटेरिया से हमें क्या मिलता है, रेसर पिन। देखिए इसमें भी आर है और रेसर पिन में भी आर है, ये आर से आर रिलेटेबल है, ये याद रखिएगा। और फिर ये देखिए, इंडिया हैज़ 50,000 के जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ राइस और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। अगर ये दोनों को आप याद रखना चाहें तो फिर ऐसे याद रखिए, 1,000 का आम और 50K के राइस, 1,000 का आम और 50K का राइस, 50K चावल, ऐसे याद रखिए आप। उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये जो लास्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, अल्पाइन मीडोज हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। उसके बाद देखिए IUCN, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। देखिए फिर रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अराउंड 7 मिलियन। देखिए रॉबर्ट मे का, रॉबर्ट मतलब क्या है, रॉबर्ट का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस, एस फॉर 7। देखिए आर के साथ 7 बहुत रिलेटेबल है। फिर यहाँ पर देखिए, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज अराउंड रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट्स तो सर 22%। तो इसका मतलब देखिए, ये एनिमल है, एनिमल 70%, और ये देखिए ये प्लांट है 22%। और एनिमल के अंदर ही अगर हम इसे और दो बार डिवाइड करें, 70% इंसेक्ट्स हैं और बाकी नॉन इंसेक्ट्स हैं। और इसी के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि 10 एनिमल्स आउट ऑफ दिस प्लांट 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पहला वाला ये जो है इन्वर्टिब्रेट्स का, ये जो इन्होंने दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा देखिए इंसेक्ट्स हैं, और ये देखिए सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, ये सब कुछ है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, इंसेक्ट्स, ये आप याद रखिए। उसके बाद देखिए वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट्स का जो ये दिया है, इसे याद रखने के लिए ये देखिए, तो ये देखिए हमारा लाइन है FB ऑफ राम। FB मतलब यहाँ पर है फेसबुक। ठीक है, सो उसके बाद F फॉर फिश, B फॉर हमारा बर्ड्स, FB, O से यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, R से है रेप्टाइल्स, A से है एम्फीबियन और M से है ममलियन। तो ये आप याद रखिए, इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए अब ये जो नेक्स्ट वाला है, ये देखिए
इसमें ये अगर कोई इमेज आ गया और मतलब यहाँ पर अगर समझे कि ये इसे हटा दिया और इसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इमेज को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, इस तरफ फंगी है, इस तरफ एंजियोस्पर्म, और ये फर्न, मॉसेस, एल्गी और लाइकेन, ये नेम्स आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। फर्न का एफ और मॉसेस का एम, एफ एम, और नीचे एल्गी और एल, ए एल, यानी कि एफ एम ए एल, एफ एम ए एल, ऐसे भी याद रखिए। और याद रखिए, इसमें से नीचे वाला जो एल्गी वाला पोर्शन है, एल्गी का थोड़ा सा इसका ज़्यादा, इसका एरिया ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में ये देखिए, इंडिया इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो लैंड एरिया 2.4% है, और उसका जो 4x है, यानी 2.4 इसका 4x इंटू 4, ये लगभग 8 के आसपास आएगा, 8। और यही है स्पीसीज डाइवर्सिटी, इम्प्रेसिव 8.1%। ये देखिए, इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में है। नियरली 45 के स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस दैट ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। फिर यहाँ पर दूसरे कुछ डाटा बेस्ट भी हैं। ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, और प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट और मोर देन 3 लाख एनिमल्स, 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स में जो है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स में एक बात देखिए, अगर मतलब कोई कोई आदमी अगर ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल से अगर टेम्परेट की तरफ जाएगा, तो फिर उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम ही मिलता जाएगा। और इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर है, देखिए, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर पर उसका स्पीसी डाइवर्सिटी 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क जो थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ है, उसका 105 है स्पीसीज, ये बर्ड्स का स्पीसीज है। और ग्रीनलैंड जो और ऊपर चला गया, उसका 56, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसे याद रखने के लिए आप ये याद रखिए, देखिए CNG, और सी से कोलंबिया, एन से न्यूयॉर्क, जी से ग्रीनलैंड, धीरे धीरे ये बर्ड्स का जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। इस इमेज को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जो यहाँ पर बहुत सारे मतलब देखिए इनवर्टिब्रेट्स का सबसे ज़्यादा है, इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल और बाकी सब कुछ भी, बहुत सारे डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। और इन सबको याद रखने के लिए, इन सब का मतलब ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, और ऑर्डर आप ऐसे याद रखिए। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग स्पीसीज रिचनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले याद रखेंगे IPFB मारे अमेज़न में, तो यहाँ पर I से इनवर्टिब्रेट्स, P से प्लांट्स, F से फिशेस, B से बर्ड्स, M से ममेलिया, A से एम्फीबिया, R से रेप्टिलिया, और यहाँ पर आखिर में अमेज़न तो लिखा हुआ ही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये वाला लाइन तो उसे देख लीजिएगा। ये देखिए, स्पीसीएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्पर, ये थोड़ा स्पीसीएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा याद रखिए। उसके बाद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ पर जिससे क्वेश्चन आता है वो है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। ये देखिए, ये जो ओनली अप टू ए लिमिट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन का ये जो जेड है, जेड देखिए, जेड का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इसका वैल्यू जनरली 0.1 to 0.2 होता है,
लेकिन ये छोटा एरिया के लिए ही वैल्यू है। जब भी आप एरिया से एरिया बढ़ा दोगे तो फिर ये देखिए यहाँ पर ही लिखा है 0.6 to 1.2 हो जाता है वैल्यू। और यहाँ पर ये फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस वर्ड सिर्फ यहीं पर ही मिलता है, फ्रूट ईटिंग इसका मीनिंग होता है, फ्रूट ईटिंग। अब उसके बाद यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में देखिए, द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज, और इन 784 स्पीसीज में देखिए इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं। और ये लास्ट देखिए 500 ईयर्स से, सम एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड ये जो डोडो, मारुतिसियस, क्वागा अफ्रीका, थाइला ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर्सिका और रसिया एंड थ्री स्पीसीज वाले जापान, ये सब याद रखने के लिए आप ये देखिए। तो देखिए इसमें ये जो एनसीईआरटी का लाइन है उस लाइन को याद रखने के लिए हम एक दूसरा लाइन याद करेंगे। सो वो लाइन है, मारुति में डोडो, अफ्रीका के क्वाग से ऑस्ट्रेलिया का थैला में रासिया का काउ चुरा के बोल दिया जाभा को कैसले टाइगर। तो इस लाइन में जो जो वर्ड यहाँ पर फोकस के लिए है वो मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, मारुति, डोडो, अफ्रीका, क्वाग, ऑस्ट्रेलिया, थैला और रसिया, काउ, काउ मतलब सी काउ, और बोल मतलब बल बाली, जाभा मतलब जाभा तो है ही, और कैस मतलब कैस्पियन का टाइगर। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लेना और वो एनसीईआरटी का पैरा देखो, ये लाइन देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल, ये देखिए एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल एक्सटेंशन एडिंग टू ग्रिम सिनेरियो एक्सटेंशन द फैक्ट, ये देखिए यहाँ पर भी मतलब जो फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन वो है उनका, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये जो परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज, ये जो डाटा है ये से याद रखने के लिए आप ये याद रखिए, ये देखिए। सो यहाँ पर जो स्पीसीज मतलब एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन को, उसके बारे में ये निमोनिक्स है। इसमें है, आपको याद रखना पड़ेगा, फेस BMG है, और इससे ही बर्ड्स, ममेल्स, जिम्नोस्पर्म और एम्फीबियंस, और इनका ऑर्डर है 12, 23, 31, 32। ठीक है, ये परसेंटेज है, इस तरह से इसे दो चार बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर ये हैबिटेट लॉस एंड परसेंटेज है, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन के अंदर ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इससे क्वेश्चन आने की प्रॉब्लिटी है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से ये देखिए, ये स्टीलर्स, सीकाओ, पैसेंजर पिजियन, ये सब ओवर, इन सब का ओवर एक्सप्लॉयटेशन के साथ रिलेशन है। तो देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, मतलब ये थोड़ा सा चोरी हो गया ऐसा नहीं लग रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग, और ये जो स्टीलर्स सीकर, स्टीलर्स स्टील मतलब भी आपको पता है चोरी होना, सो उस वजह से ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर स्टीलर सीका और पैसेंजर पिजन ये दोनों आ जाते हैं। फिर ये देखिए द एलियन स्पीसीज इन्वर्सन, एलियन स्पीसीज इन्वर्सन की वजह से नील फर्च जो है उसने एक्सटिंक्ट कर दिया देखिए 200 चिल्ड फिशेस को, मतलब ऊपर चिल्ड फिशेस उसने एक्सटिंक्ट कर दिया 200 ऊपर नील पर्च, और उसने एक्सटेंड कर दिया 200 चिल्ड फिशेस को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड ऑन मार्केट और वर्ल्ड वाइड डिराइव फ्रॉम 25K स्पीसीज ऑफ प्लांट्स।
ये थोड़ा सा देखिएगा, फिर 20% ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफियर फोटोसिंथेसिस की मदद से आता है, मतलब थ्रू अमेजन रेन फॉरेस्ट। फिर यहाँ पर एंडेमिज्म और ये जो पोर्सन है, इनिशियल 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेयर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली मोर देन हैड बीन एडेड टू द लिस्ट, और अभी है 34। ये देख लीजिएगा, और उनमें से इंडिया के जो है वो ये सब नेम भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं और फिर देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इंडिया हैज़ नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व। ये पोर्शन भी थोड़ा सा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आता है इन सीटू के अंदर, तो ये सब है इन सीटू वाले, और यहाँ पर नीचे एक सीटू वाले हैं, ये सब एक सीटू वाले हैं। तो भाई इन सीटू कौन सा है, एक सीटू कौन सा, भी ये देख लीजिएगा, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, ये सब है इन सीटू के अंदर, और सैक्रेड ग्रुप्स भी इन सीटू के अंदर आता है। लेकिन ये जो जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क आप याद रखिए, जूलॉजिकल पार्क मतलब क्या है, जू, जू जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं। तो ये जो जू है वो तो एकदम दिखता ही है एक सीटू की तरह, तो उस वजह से वो है एक सीटू। और ये जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इन सीटू होता है, तो इसमें ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही में ही पार्क्स लिखा हुआ था, लेकिन नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू, इस चैप्टर में ये सभी डाटा थे और ये सभी छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स थे। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए।